टोंक में नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन में पुलिस, तीन युवकों को किया गिरफ्तार। मौके से करीब 5 लाख रुपए का नशीला पदार्थ भी हुआ बरामद। इंद्री में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाया चेकिंग कैंप, दांतों का उपचार कर बच्चों को किया जागरूक। सरकारी स्कूल के लगभग 25 से 30 बच्चों ने लिया हिस्सा। में भी हमारे स्कूल के बच्चे हैं जिनको डेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, उन जो भी डेंटल चेकअप्स चलते हैं हमारी RBSK की टीम है वो अपना चेक करके जिन जिन बच्चों को दांतों से रिलेटेड ट्रीटमेंट चाहिए होते हैं उनको आज के दिन यहाँ पर कैंप लगा के यहाँ बुलाया जाता है और उन सभी बच्चों का ट्रीटमेंट। सहारनपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, विकास प्राधिकरण की तरफ से लगातार अवैध कॉलोनियों पर नोटिस और सील करने की कार्रवाई जारी। अवैध निर्माणों के विरुद्ध लगातार सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई जारी है। इसमें प्रमुख तौर पर जो कॉलोनी इलीगल कट रही हैं उन पर लगातार लगाम कसी जा रही है कि जैसे ही वो कट अगर सूचना मिलती है तो उनके खिलाफ दृष्टिकरण कार्रवाई की जा रही है। जिसमें कि विगत दिनों में 99 और ओमेगा कॉलोनी जो है उनके पीछे कुछ कॉलोनी द्वारा विकास किया जा रहा था तो उन पर कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ अन्य रोड पर भी जो कॉलोनी का विकास हो रहा है उन पर भी लगातार नज़र है और जहाँ भी ये सूचना पाई जा रही है निर्माण हो रहा है वहाँ पर। कानपुर में भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष की दबंगों ने की हत्या, जमीन को लेकर हुआ था विवाद, लोगों ने अस्पताल और थाने के बाहर किया हंगामा। थाना भगनीपुर के पुखराया कस्बे में यहाँ बगल में घटना स्थल है, यहाँ पे एक जमीन के मामले में दो पक्षों में गाली गलौज हुआ। उसके बाद कुछ युवक यहाँ घटनास्थल पे आ गए, उनसे बातचीत हुई, इसी बीच हाथापाई हुई और उसमें से एक चोट आई थी जिसको हॉस्पिटल ले जाते हुए। लखनऊ में चोरों के हौसले बुलंद, बाजार खाला थाना क्षेत्र में घर के गेट पर खड़ी बुजुर्ग महिला के गले से छीनी सोने की चेन, इससे पहले भी कई बार इलाकों में हो चुकी हैं चोरियां। सीतापुर में ईओ के तानाशाही रवैये से सफाई कर्मचारियों का छलका दर्द, कहा समय से नहीं मिलता वेतन जिसके चलते बैंकों से लेना पड़ रहा है। समस्या हमारे सर ये है कि हम लोग 10,000 रुपए महीने की प्राप्ति पाने वाले हैं फिर भी हम लोगों का आधा आधा दिया जाता है, 4,000-5,000 रुपए हम परिवार कैसे अपना काटेंगे, राशन वाला राशन नहीं देता, दूध वाला दूध के लिए कहता कि दूध नहीं देंगे, हम लोग उनसे हाथ जोड़ते प्रार्थना करते हैं, गली गली भीख मांगते हैं, इस तरह की मतलब जिंदगी हमारी। हरदोई में आईटी की 100 सदस्यीय टीम ने गुटखा कारोबारी के घर की छापेमारी, 72 घंटे की पड़ताल के बाद आईटी की टीम दिल्ली रवाना, आईटी टीम दिल्ली पहुंच कर करेगी मामले का खुलासा। पीलीभीत में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 अलग अलग जगहों से अफीम तस्करों को किया गया गिरफ्तार, लाखों रुपए बताई जा रही है अफीम की कीमत। थाना पुलिस व SOG ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। बीसलपुर से बिलसंडा जाने वाले मार्ग पे टाटा सफारी से कुछ लोग जा रहे थे, सूचना थी कि इसमें मादक पदार्थ लेके लोग सेल करने के लिए ले जा रहे हैं, तो जब थाना पुलिस ने और SOG ने संयुक्त रूप से इनको पकड़ा और इनसे। लूणी में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने डोडा पोस्त समेत आरोपी को किया गिरफ्तार, मौके से 3 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त हुआ बरामद। साढ़े 3 किलोग्राम डोडा पोस्त का चूरा बरामद किया गया है और बरामदगी में उसके बाद अनुसंधान उसमें जारी है और उसका चांदी की रिकॉर्ड वगैरह किया गया। हाँ, ये स्वयं नशे का आदि। किशनगढ़ में चोरी की वारदात का पर्दाफाश, पुलिस के हत्थे चढ़े 3 आरोपी, 25 फरवरी को पीड़ित ने पुलिस में की थी शिकायत। निवासी शेखपुरा हाल रोअर कॉलोनी गांधी नगर ने थाना पर उपस्थित होकर 25 फरवरी की रात्रि में परिवादी का ट्रैक्टर में टैंकर चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट पेश की।
पाली में जिला कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान डीसी ने सरकारी योजनाओं में प्रगति की समीक्षा भी की। बैठक में डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए, कहा साप्ताहिक बैठक में अपने अपने क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था की मॉनिटरिंग करें। ऑपरेशन गंगा के तहत राजस्थान के 693 छात्र सकुशल अपने वतन वापस लौट आए हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने जानकारी दी, कहा जल्द जो अन्य छात्रों की भी वापसी जल्द ही की जाएगी। राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा पर बायतू और गीड़ा ब्लॉक के शिक्षक कर्मचारी संघ ने सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में बायतू विधायक हरीश चौधरी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखेंगे। तो आप लोगों के जहन के अंदर सबसे प्रमुख प्राथमिकता थी मांगों के अंतर्गत, वो पिछले दिनों जो बजट राजस्थान सरकार ने पेश किया उससे न्यू पेंशन से ओम पेंशन का जो निर्णय लिया, ऐतिहासिक निर्णय आप लोगों के लिए राजस्थान सरकार ने लिया, बहुत लूणी में सुरक्षा सखियों की बैठक आयोजित। सुरक्षा सखियों से महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है, पुलिस फोर्स की तरह काम करती हैं सुरक्षा सखी। गाँव लोलावा से मैं साथी पद पर हूँ और मैं गांव में किशोरी बालिकाओं से चर्चा करती हूँ और उनको ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्राप्त करने का। कोटपुतली पहुंचे गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। इस दौरान मंत्री ने राजस्थान बजट की तारीफ भी की। हमारा जो है एक आईएएस अधिकारी रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली जो बैठते हैं वो लगातार विदेश मंत्रालय के टच में है और इनके सिवाय धीरज श्रीवास्तव जी हैं, इनको अलग से इस ड्यूटी में लगाया गया है और लगातार वहाँ से कोशिशें जारी हैं कि जहाँ से भी हमें आता हमारे बच्चे। नूरपुर पूर्व विधायक ने वन मंत्री को लिया आड़े हाथों, वन मंत्री पर लगाए झूठ बोलने के आरोप, कहा विधानसभा के अंदर भी ले रहे हैं झूठ का सहारा। फॉरेस्ट मिनिस्टर राकेश पठानिया जी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो झूठ बोलने के लिए मशहूर है ही हैं, पर हिमाचल की सबसे बड़ी पंचायत और लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोलना। कुल्लू में सहकारी संघ की बैठक आयोजित की गई। हिमाचल बजट पर सत्यप्रकाश ठाकुर का बयान आया है, कहा बजट में सहकार आंदोलन को नहीं मिल पाया बल। यहाँ सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ रखा है और कुछ नई योजनाएं भी हैं जो कि स्वागत योग्य है, परंतु हमें कहीं कोऑपरेटिव का विशेष उल्लेख या बुनकरों के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिला, जबकि ये दोनों हिमाचल प्रदेश की। बद्दी में भारतीय मजदूर संघ ने सराहा सरकार का निर्णय, कहा सरकार ने हर वर्ग के लिए दी महंगाई में राहत, श्रमिकों की दिहाड़ी 50 रुपए बढ़ाना ऐतिहासिक कदम। मैं माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पूरे हिमाचल प्रदेश की आशा कार्यकर्ता संघ की तरफ से कि हमारी टोटल बढ़ोतरी जो उन्होंने 1825 रुपए की, हमें बहुत खुशी हुई, इसलिए हम तय दिल से मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। साथ में सर हमें उम्मीद भी। यूक्रेन से वापस लौटी कांगड़ा की बेटी, छात्रा के सकुशल लौटने पर परिजनों ने ली राहत की सांस, परिजनों ने सरकार का जताया आभार, छात्रा ने बताया यूक्रेन का हाल। अपना मोदी जी का बहुत अच्छा धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें सेफली यहाँ पहुँचाया है, आज उनकी बदौलत आज हम अपनी फैमिली के पास हैं। एंड जो स्टार्टिंग के डेज थे वो बहुत ज़्यादा बहुत वर्स्ट डेज थे, हमने काफ़ी डिफ़िकल्टीज देखी है जो कि हमें पूरी लाइफ में नहीं देखी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत अच्छे से रखा है। और वहाँ नाहन में स्कूलों में सिखाए जा रहे आगजनी के
आगजनी से निपटने के गुर NSQF कार्यक्रम के तहत स्कूली छात्रों स्टेशन में ली ट्रेनिंग, एजुकेशन के छात्रों ने भी ली ट्रेनिंग। अधिकारी है इस केंद्र के, उन्होंने बताया कि आपको कैसे बुझाया जाता है और इससे बचने के क्या क्या कार्य है। हम अपने गांव में भी इसके बारे में तर्क देंगे और जो हमारा परिवार है उसके बारे उनको भी बताएंगे कि आग कैसे बुझाया जाता है। बागेश्वर में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित होकर खाई में गिरा ट्रैक्टर, ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही हुई मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। शोपियां में पटवारी एसोसिएशन की 3 दिवसीय पेन डाउन हड़ताल, सैकड़ों पटवारियों ने किया विरोध प्रदर्शन, मांगों को लेकर डिप्टी कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। हम कई सालों से गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे पास पटवार खाने हैं। अब वो वाहिद ये मुलाजिम है, पटवारी साहब वाहिद मुलाजिम है जिसके पास न कोई ऑफिस है न कोई फर्नीचर है जहां पे हम अपना रिकॉर्ड रखेंगे। इसमें हमारी प्रायोरिटी पे जो पहली डिमांड है वो है ग्रेड पे डिमांड है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नए तहसीलदार। और तीसरी डिमांड जो हमारी है वो क्रिएशन ऑफ GQ सर्कुलर। नगर के एक अस्पताल में लगी भीषण आग, SSP और DC ने अस्पताल का किया निरीक्षण, आसपास के ब्लॉक सुरक्षित, DC ने दी जानकारी। हॉस्पिटल था, पूर्ण जाने हॉस्पिटल है और रहेगा क्योंकि ये हमारा प्रीमियर हॉस्पिटल है। पूरी वादी कश्मीर से यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, तो जो रिमेनिंग पार्ट है इसका जो डैमेज हुआ है उसको उसके असेसमेंट के बाद उसको भी रेस्टोर किया जाएगा। आप ये भी देख सकते हैं कि उसके साथ एक नई बिल्डिंग। जम्मू के सांबा में हुआ दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी कार, हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत, तो वहीं एक गंभीर रूप से हुआ घायल, परिजनों ने प्रशासन से शव बाहर निकालने की उठाई मांग। हम गुजारिश करते हैं यहाँ के DC साहब को और बाकी जो आला हुकाम है उन तक हम ये खबर आपकी वसाहत से पहुँचाना चाहते हैं कि उन लाशों को फटाफट आज दिन में यहाँ पहुँचाया जाए।